नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे के पत्ते की सब्जी। जो पोहे होती है वह खून बनाने की मशीन कही जाती है यह सब्जी, इसे आज हम बनाएंगे। इसमें आयरन की मात्रा बहुत भरपूर होती है, आप इसे जरूर बनाइए। इसे हम काट लेते हैं। चलिए देखिए, हमने इसे काट लिया है बारीक बारीक, जैसे हम पालक का साग काटते हैं उस तरह से इसे हम काट लेंगे। मैं इसमें आलू भी ऐड करूंगी। मैंने आलू भी काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए इस तरह से हम इस पोहे की सब्जी बनाने के लिए हमने लिए हैं कुछ मसाले, जिसमें है हल्दी, जीरा, धनिया, काली मिर्च, हमने पीली राई लिया है, आप काली भी ले सकते हैं, लाल मिर्चा और लहसुन की कलियां। इसको हम पीस लेंगे। हम गरम मसाला इसमें बाद में डालेंगे। हमने प्याज को भी काट लिया है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने जो मसाले लिए थे उसको भी हमने पीस लिया है सिलबट्टे। कढ़ाई हमने रख दिया था गैस पर, तेल भी डाल दिया था, गरम हो चुका था। इसमें हम फ्राई करेंगे आलू अपना। पहले हम आलू को फ्राई करके हल्का सा निकाल लेंगे। आलू हमारी फ्राई हो चुकी है, निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। हम जिस तेल में फ्राई किए हैं आलू उसी में फिर लगाएंगे तड़का, अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं है। ले लेंगे मेथी दाना, तड़के में डाल देंगे। दो चुटकी हम डाल देंगे हींग तड़के में। मेथी दाना हमारा चटक चुका है, अब इसमें डाल देंगे प्याज, थोड़ा सा भुनेंगे। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं, इसमें डाल देंगे मसाला जिन्हें पीस के रखा हुआ था। मसाला दोस्तों हमारा लगभग भून चुका है, इसमें अब हम डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला, इसे भी मिला करके थोड़ा सा भुनेंगे। मसालों ने तेल छोड़ दिया है, मसाला हमारा भून चुका है, इसमें हम डाल देंगे हम पोहे की पत्ती जो हमने काट के रखी हुई थी। मिला देंगे अच्छी तरह से मसालों को और इसको। हमने मसालों को मिला दिया है अच्छी तरह से। अब इसे हम ढक करके मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर तक रखेंगे, 5 मिनट तक, फिर देखेंगे इसे। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी इसे हम खोल करके देखते हैं। देखिए पोहे के पत्तों ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। इसे भी मिला देंगे। डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को हम मिला करके ढक देंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, ऐसे ही हमें पकाना है। इसे ढक देते हैं। पानी जब इसमें का सूख जाएगा तब हमारा सब्जी तैयार हो जाएगा। हमारी सब्जी बनकर के तैयार है। देखिए वो सौंधी हो चुकी है नीचे से, गैस हम बंद कर देते हैं। चलिए इसे सर्व करते हैं। हमने इसे गर्म गर्म रोटियों के साथ में सर्व किया है, पराठे के साथ में इसे खा सकते हैं, चावल दाल के साथ में खा सकते हैं। यह सब्जी दोस्तों आयरन से भरपूर होती है, आप इसे जरूर बनाकर खाइए। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।